उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में मजदूरों ने मुश्किल भरे 17 दिन बिताए हैं। मजदूर इस दौरान न हताश हुए और न ही निराश। उन्हें पूरी उम्मीदें थी कि राहत की टीमें उन तक जरूर पहुंचेंगी और आखिरकार उनकी उम्मीदों की जीत हुई। 17 दिन बाद सभी 41 मजदूरों को चट्टानों का सीना चीर कर की बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम, शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम रोल अदा किया है। सुरंग के बाहर निकलने के बाद सभी श्रमिक भाइयों के घर पर जश्न का माहौल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन के बने हीरो। सुरंग में डटे रहे सीएम धामी, बांधते रहे मजदूरों का ढांढस। देसी और विदेशी संसाधनों तक का किया उपयोग। चट्टानों का सीना चीर कर बाहर आए जांबाज। 17 दिन बाद सुरंग से आजाद हुए 41 मजदूर। बाबा बौखनाग बने सहारा। 41 मजदूरों को जिंदगी मिली दोबारा। श्रमिकों के घर जश्न का माहौल। देखिए खास रिपोर्ट। दीपावली के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अचानक सूचना मिलती है कि सिलक्यारा में सुरंग हादसा हो गया है। वो तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि घटना बड़ी है और रात से ही अपने अधिकारियों के साथ मिशन पर लग जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी अगले ही दिन पीएमओ से लेकर तमाम मंत्रालयों से संपर्क साधते हैं। चुनाव में व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को गंभीरता से लेते हैं और इस घटना को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर लेने का आदेश पीएमओ को देते हैं। वहीं सिलक्यारा टनल की घटना का जायजा लेने जब मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचते हैं तो थोड़ा चिंतित होते हैं। उन्हें स्पष्ट आभास होता है कि मौके पर हौसला अफजाई और बेहतर कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। फिर उत्तरकाशी से देहरादून लौटते वे मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि सिलक्यारा टनल के पास ही अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय तत्काल बना लिया जाए। कई लोगों की राय थी कि देहरादून से ही राहत कार्य को मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी जानते थे कि परिस्थिति उनसे क्या मांग रही है। वह अपने निर्णय पर अड़िग रहे। एक हफ्ते से भी अधिक का समय से उत्तराखंड सरकार सिलक्यारा टनल के नजदीक बने अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय से चलती रही। 41 मजदूरों की जिंदगी सुरंग में फंसी हुई थी और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े उतार चढ़ाव आते रहे। कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की जरूरत महसूस की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दिन में 4-5 बार मुख्यमंत्री धामी से संपर्क में रहते थे, हर जरूरत पर साथ खड़े थे। वहीं दीपावली के बाद ईगास त्योहार आया। ऐसा लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन उम्मीदों की राह बनाती मशीन फेल हो गई। मिशन पर लगी टीम को एक सच्चे लीडर की तरह हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें डटे रहना है, सफल होना है और ईगास का पर्व इन श्रमिकों की सकुशल वापसी के बाद ही मनाना है। वहीं हादसे के 17वें दिन 28 नवंबर को वो शुभ सूचना आई जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। सभी 41 श्रमिक सकुशल बाहर निकाल लिए गए। एक एक श्रमिक के टनल से बाहर निकलने पर मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें गले लगाया, उनका स्वागत किया, उनके परिजनों का हालचाल जाना और देर रात तक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच से लेकर रहने व खाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू भारत के इतिहास का संभवत सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और इस सबसे बड़े बचाव अभियान को मोर्चे पर मौजूद रहकर लीड कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।